हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैपिड अप शॉर्ट्स। फॉलन एंजल्स याद है आपको? फॉलन एंजल्स एक हमारा बास्केट निकला था जो हमने आपको पिछले वीक में रेकमेंड किया था जब निफ्टी 15,800 के पास ट्रेड कर रहा था। टुडे वी आर ट्रेडिंग एट 17,000 इन निफ्टी और हमने वो बास्केट आपको जानकर बहुत अच्छा लगा, हमने ये बास्केट बुक कर दिया है। आप भी अगर हमारे रिकमेंडेशन पर ये बास्केट आपने लिया है तो आपको भी ये बुक कर देना चाहिए, बिकॉज बास्केट के रिटर्न्स आ रहे थे 9.5% और साथ ही निफ्टी में चेंज था 6.5%। ये कल के सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सो फॉलन एंजल्स बास्केट हमने बुक कर दिया इन लाइन विद आवर व्यू। निफ्टी 15,700 पे सपोर्ट लिया और नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 17,000। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अब सबसे बड़ा इवेंट है फेड का, जो हम काफी समय से आपको कह रहे थे कि मार्केट्स में ऊपर नीचे वाइल्ड मूव्स आते रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स है। अब यूक्रेन और रशिया का थोड़ा बहुत सुलट रहा है मैटर। सेकंड इवेंट जो थी वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। नाउ दिस इज द थर्ड इवेंट विच वी आर विल बी फेसिंग। आज की बात करें तो निफ्टी 17,000 के पास जाकर रेजिस्टेंस लिया है। ओवरऑल 17,200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो 17,200 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो देन वी कैन से दैट वी आर आउट ऑफ द वुड्स और 15,700 का जो बॉटम है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है। अगर ये क्रॉस नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है 16,400-16,500 के पास फिर से एक बार निफ्टी रीटेस्ट करने आ सकता है, तो एक वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है 16,400 के पास। सो ये एक निफ्टी का दायरा रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 17,200 इन निफ्टी। 35,700 के पास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 500 पॉइंट और अपसाइड। 36,200 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो देन इन बैंक निफ्टी वी वुड बी आउट ऑफ द वुड्स। सो ये जो लेवल्स आपको हमने आज डिस्कस किए ये आपको ध्यान रखना है, इसे ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। अगेन आई वुड रिपीट, एफ एंड ओ पोजीशंस ज्यादा कैरी नहीं करनी है फॉर दिस एंटायर मंथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।